शिवन्या शिवन्या, तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई। मुझे बुला रही थी शिवन्या, मैं समझ गई कि तुम किसी खतरे में हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। मैं गुरुदेव के साथ पूजा में बैठी थी, मैं नहीं आ सकी। शिवन्या, वो आया था, उसकी मौत लाई थी उसे यहाँ। इसकी वो कातिल जिसने मेरा अपहरण करवाया और फिर मैंने उसे मार दिया। एक और कातिल का अंत हो गया। इन लफ्जों में बताओ शेषा, आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरे माँ बाबा के कातिलों में से एक और कातिल का अंत हो गया। मैंने कसम खाई थी अपने माँ बाबा के पांचों कातिलों को मिटा दूंगी। मैं अपनी कसम निभाऊंगी। मेरा फितूर ही मेरा गुरूर है, मेरा मकसद है। तीन गए, अब सब दो बच गए। वो दिन दूर नहीं है शिवन्या, जब हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। आएगा, आएगा, उन दोनों का भी दिन जरूर आएगा। शिवन्या, शिवन्या, अब तुम घर जाओ। पूजा खत्म होने से पहले वहां पहुंच जाओ, ताकि लोगों की भीड़ में किसी को पता ना चले कि तुम वहां नहीं। जाओ शिवन्या। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज आपने मुझे मेरी शक्तियां लौटाई। मैंने अपना एक और इंतकाम पाया। जय श्री कृष्ण। ऋतिक, ऋतिक बेटा, ऋतिक इस हाल में कहां गया था वो? ये तेरे चेहरे पे, तेरे कपड़े पे, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? ऋतिक, क्या हुआ बेटा? कहां चले गए थे तुम? और ये सब क्या है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ऋतिक, सब ठीक तो है ना? तू अकेला आ गया? तू तू तो शैलेश को लेने गया था ना, वो नागिन के पीछे और तू उनके पीछे। बेटा जल्दी बता, कहाँ है शैलेश? तू साथ क्यों नहीं लेकर आया उनको? प्लीज इनसे पूछो ना, वो कहाँ है शैलेश? वो अंकल, उन्हें नागिन ने मार दिया। पागल हो गया क्या? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? तूने देखा? देखा तूने? कैसे मारा? किसने मारा? हाँ मैंने देखा। शैलेश अंकल को मारते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा उसे मारते हुए। एक बार नहीं, आपने मुझे बार बार कहा कि वो नागिन है वो नागिन। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मान लेनी चाहिए थी कि वो नागिन है। हाँ, वो नागिन है। पहले मैं नहीं मानता था कि नागिन होती है। पहली बार तब देखा था जब मैंने उसे खंजर मारा था।
पर आज मैंने उसका पूरा रूप देख लिया। उसने मेरी आंखों के सामने नहीं बचा पाया उनसे निशंक। बहुत खतरनाक थी वो, बहुत भयानक, बहुत बेदर्दी से मारा उसने शैलेशंकर को। तूने देखा उस ट्रक को? अपनी आंखों से देखा? नहीं देख पाया मैं उसका चेहरा। इसी बात का तो अफसोस है कि उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाया। उस नागिन ने शिवन्या का रूप लेके हम सबको धोखा दिया था। रमिया आंटी को भी तो धोखा हुआ था। पापा आप सही कह रहे थे, वो नागिन आई थी इस घर में, और जिस तरह उसने शैलेश अंकल को मारा उस साड़ी वाली फैक्ट्री में, मेरी रूह कांप उठी। अंकल को मार दिया और फिर वो मां से चली गई, और मैं कुछ नहीं कर पाया। ओ नागिन ने शैलेश को भी, वो आज नागिनों ने जरूर कोई बिजली गिराई है, इसीलिए आज कयामत आई है। जय भोलेनाथ। वो गया, इस जहां से गया उस जहां में गया, उसका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया उसका। हमारे तीसरे कातिल का काम तमाम हो गया। वो मर गया, वो मर गया।